So we are going to start new chapter, sound wave. That chapter was clear to you, all of you, both of you? Work energy power clear था ना? हो गया था क्लियर? He has gone to washroom again. So we are going to start new chapter today. That is sound wave. So in this chapter, some of the from sonar, I think it's not there in the syllabus, right? From sonar, but I'll ask my teacher once, right? But I'll ask my teacher once, my school teacher. Yeah, okay, you ask it also. You ask this also. As per my knowledge, I searched in the Google, I googled, then I got this that sonar from sonar it has got deleted the syllabus. The portion from the sonar has got deleted. Okay, you also asked from your teacher, and up to what the syllabus has got completed, Shazan, your school power. Work energy power has got completed. Yes, I'm just now completed today only. Okay, today only. Fine. अभी तक हम लोग कैसे motion पढ़ते थे? अभी तक हम लोग translatory motion पढ़ते थे. कैसे motion पढ़ते थे? Translatory, that particle has to go from one point, initial point, to the another final point, right? अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं motion chapter, LOM सब में हम लोग क्या किए, इवन WEP हम लोग क्या किए, पार्टिकल ऑडियो से ऑब्जेक्ट क्या किया है, एक इनिशियल पोजीशन से दूसरे पोजीशन गया है, राइट? इनिशियल पोजीशन से दूसरे पोजीशन गया है मींस इट एक्चुअली हैज मूव टू अ सर्टेन डिस्टेंस. ओके, इट एक्चुअली हैज मूव टू अ सर्टेन डिस्टेंस. नाउ वी विल स्टडी दिस वेव मोशन इन विच the particle will not go anywhere, means it will not travel any kind of distance. What it will do, it will just vibrate about its mean position. And the energy will get passed to the other point. ठीक है, तो अब कैसे हम लोग करेंगे कि जैसे इसमें तो क्या था कि ऑब्जेक्ट चला है और इस पोजिशन पे पहुंचा है. ठीक है, देर इज सम डिस्टेंस, देर इज सम वेलोसिटी काइंड ऑफ थिंग, राइट? अभी तक इतना था. अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर से वाइब्रेशन शुरू हुआ. मान लो ये वाइब्रेशन शुरू हुआ, कोई चीज हम लोग ऐसे बजाएं, ऐसे किए, ठीक है, ऐसे किए, तो ये क्या हुआ, लाइक ऐसे किए, तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर, मेरे हैंड के अंदर, हैंड सॉलिड है, राइट, हैंड के अंदर क्या हुआ, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ. तो वो आवाज कहाँ से आई, हैंड में हम किए, तो वाइब्रेशन जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हुए, डिस्टर्ब हुए. तो क्या हुआ कि वो जो है अपने मीन पोजिशन पे, एयर पार्टिकल्स है ना, हर जगह एयर पार्टिकल्स हैं, राइट, एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये अपने मीन पोजिशन से अभी स्टिल है, बहुत हल्के हल्के मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसको थोड़े से डिस्टर्ब किए, एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए, वो क्या किया, अपने मीन पोजीशन से हिला, धक्का देकर के अगले वाले पार्टिकल को अपने जगह पर आ गया. फिर वो वाला जो पार्टिकल है वो क्या किया, जो जिस पार्टिकल को धक्का मिला है वो क्या किया है, फिर से वो क्या किया, अगले अपने पार्टिकल को धक्का दिया और फिर से वो अपने पोजिशन पर आ गया. फिर से अगले वाले जिसको धक्का मिला वो क्या कर रहा है, धक्का बस पास हो रहा है, राइट, बस क्या हो रहा है, मीन पोजीशन. जस्ट लाइक तुम खड़े हो, तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, अरहम खड़ा है, अविका खड़ी है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं थोड़े थोड़े दूर पर, ठीक है, लड़कियां भी हैं, ठीक है, इतने सारे खड़े हैं. अब क्या करना है कि कोई ऐसा फोर्स है जो कि हमें इस ए लड़के से बी लड़की तक पहुंचाना है, ठीक है, क्या करेगा, ये इसको मान लो ऐसे आगे बढ़ा और इसको ऐसे पुश किया, धक्का दिया, पुश किया, तो फिर और फिर अपनी जगह पर आ गया, पुश करके अपनी जगह पर आ गया. फिर ये क्या किया, अब इसको तो धक्का मिला, ये क्या किया, ये भी इसको जाकर के धक्का दिया और ये फिर अपनी जगह पर आ गया. फिर ये वाला क्या किया, ये वाला इसको धक्का दिया और फिर वो अपनी जगह पर आ गया.
फिर ये वाला क्या किया, इसको धक्का दिया, अपनी जगह पर आ गया। फिर ये वाला क्या किया, इसको धक्का दिया, अपनी जगह पर आ गया। क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो पास हो रही है, राइट? एनर्जी जो है वो पास हो रही है, ओके? तो इस तरीके से वाइब्रेशन, इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी पास हो रही है, राइट? वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पास और आगे। क्या हुआ, व्हाट यू आर सेइंग शजान, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर ऑन म्यूट? नो मैम, आई एम नॉट श्योर। हाँ, तो ये क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही है आगे की तरफ, ठीक है? तो यही होता है, यही होता है साउंड वेव। कि अभी हम लोग कुछ देखेंगे कि जिससे कि हम लोग को पता लगेगा, जैसे प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, ठीक है? सी, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, सबसे अंदर वाले पार्टिकल को देखो, सबसे अंदर वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, पुश करके अपनी जगह पे आ जा रहा है, पुश करके अपनी जगह पे आ जा रहा है। सी, सबसे अंदर वाले पार्टिकल को देखो, यहाँ पे हम शो नहीं कर पाएंगे इसीलिए, तो अपने हाथ से तो शो नहीं कर पाएंगे, तो इसको देखो कि सबसे अंदर वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, वेट, सी, सबसे अंदर वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, पुश करके वापस आ जा रहा है, पुश करके वापस आ जा रहा है, राइट? सारे पार्टिकल तो भी देख लो, अगर ऐसे ऐसे जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है ऐसे ऐसे, और इसकी वजह से क्या लग रहा है कि पूरा जो है मूव कर रहा है आगे की तरफ, राइट? ऐसा लग रहा है पूरा जो है मूव कर रहा है आगे की तरफ, है ना? ऐसा लग रहा है कोई वेव है ऐसा, जैसे कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बीच से बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो पार्टिकल है वो अंदर वाला वो क्या कर रहा है, पुश करके आगे आ जा, पुश करके पीछे चला जा रहा है, राइट? एंड दिस इज हाउ द मोशन, द वेव मोशन अकर्स, ओके? दिस इज हाउ अ वेव मोशन अकर्स। हम लोग इसमें देखेंगे, ये समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है, पुश करके पीछे। तो ये होता है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये किस किस वजह से होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेट किया ऑब्जेक्ट, वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद क्या होता है, वो अपने मीन पोजीशन से ऐसे 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 होता है, इसमें वेव क्या होता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, राइट? ऐसे ऐसे नहीं बढ़ता है, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ता, ट्रांसवर्स वेव नहीं है ये। कौन सा वेव है ये, कौन सा वेव है ये, वेव मोशन है, ठीक है? जो कि वो कैसे होता है, जो कि कैसे होता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। First, okay, like it pushes and then come back to its place. Come back to its mean position. Just like आप pendulum को भी कह सकते हैं कि वो क्या करता है, vibration करता है, है ना? Pendulum भी क्या करता है, क्योंकि अपने mean position से हटता है, फिर back to its mean position आ जाता है, right? तो क्या हो रहा है कि आगे बढ़ रहा है, पीछे आ जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, sound होता है, sound wave आगे बढ़ता है। तो sound जो होता है वो wave होता है, ठीक है? Wave होता है, fine? इट्स अ जस्ट वेव जो कि हमें सुनाई देता है, वॉइस के फॉर्म में सुनाई देता है, ठीक है? तो ये तो हो गया कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्या करता है, इसको कह सकते हैं कि ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये भी कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन करता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन हर चीज हो रहा है इसमें, वाइब्रेशन हो रहा है पूरा, ठीक है? और क्या कह सकते हैं, यस, ओके, फाइन, गो। इस पे कैसे ये प्रोड्यूस होता है, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइक व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैपन, राइट? सो इट बम्प्स अनदर पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल बम्प्स अनदर पार्टिकल एंड देन इट बिकम्स अ वेव एंड दैट वेव विल बी अ साउंड, दैट वेव मोशन इज कॉल्ड साउंड। यस यस यस, ओके। So we'll just start once he'll come. Okay, done. Shazan? Yes, ma'am. Okay. Now production of sound is due to the vibrating object. ठीक है, vibrating object से शुरू होता है और फिर वो आगे तक जाता है और फिर धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, लॉस भी होती है ना, धीरे धीरे एनर्जी तो लॉस भी होती है किसी और चीज में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि आगे बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होती है, तो ये सर ये एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लॉस भी होती जाती है। तो हम लोग को क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तुम लोग को सुनाई दे रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ कोई बैठा उसे सुनाई देगा, लेकिन दूसरे रूम में बैठा है शायद उसे भी हल्का सा सुनाई दे, लेकिन अगर तीसरे रूम में कोई बैठा है तो उसे वो चीज नहीं सुनाई देगी जो हम बोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पार्टिकल यहाँ के यहाँ जो मेरे मुंह के सामने पार्टिकल वो सबसे ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे, राइट? वो सबसे ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे और
जैसे से आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, राइट, लॉस होती जाएगी, ठीक है, और चीजों में लॉस होती जाएगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, अब प्रोपेगेट कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता तो है लेकिन क्या होता है कि ये आगे बढ़ता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो अभी देखो हम लोग क्या देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ता है। इसमें जो बनता है वो कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन बनता है, कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन बनता है। तो कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन क्या होता है, कॉम्प्रेशन मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, देख लो यहाँ पर जो हम लोग अभी देखे हैं, ये देखो इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे कहीं कहीं ज्यादा ज्यादा पार्टिकल्स हैं, राइट, इस एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं और इस एरिया में कम पार्टिकल्स हैं, इस एरिया में कम पार्टिकल्स, इतने एरिया में कम पार्टिकल्स है ना, इतने एरिया में कम पार्टिकल्स हैं और इतने एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, है ना, ग्रीन वाले में, ग्रीन वाले एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इस एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो यही होता है, इस ये जो ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ पर बनते हैं, शाजान व्हाई आर यू लुकिंग हियर एंड देयर सो फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पर जो कम जगह में ज्यादा स्पेस, ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं उनको वो क्या है, कंप्रेस्ड होते हैं, राइट, उनको कह सकते हैं ना कंप्रेस्ड है, तो वहां पर क्या बनता है, कौन सा रीजन होता है, कॉम्प्रेशन का, कौन सा रीजन हुआ, कॉम्प्रेशन का। और जहां पर कम पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा एरिया में कम पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेरिफैक्शन, रेरिफैक्शन, ओके फाइन, रेरिफैक्शन। तो उनको ये वाले, अब ये हर थोड़ी थोड़ी देर पे बनेंगे, यहाँ पर बन गया ऑरेंज वाला, ये क्या है, रेरिफैक्शन रीजन, और ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, कॉम्प्रेशन, राइट, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रेशन हो गया, इसमें भी ऐसा ही है, ये पार्टिकल्स आगे बढ़ा, धक्का दे रहा है, धक्का देकर के अपने मेन पोजीशन पर आ गया, अपने पोजीशन पर वो आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब धक्का दे रहा है, जब दो पार्टिकल्स एक साथ ऐसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वहां पर कॉम्प्रेशन बन जा रहा है, ये देखो कॉम्प्रेशन आगे लिखा हुआ है ना, कॉम्प्रेशन, और ये एरो बना हुआ है कॉम्प्रेशन का, राइट, ये सारे कॉम्प्रेशन, और रेयरफैक्शन लिखा हुआ है, रेयरफैक्शन का एरो ये, जहां पर कम पार्टिकल्स है, ठीक है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से रेयरफैक्शन, और दिखा, देखो अगर तुम इस पार्टिकल को देखो, रेड वाले पार्टिकल को देखो, इसी ओनली द रेड पार्टिकल, मान लो इसमें जो है ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स को एक रेड पार्टिकल्स बनाया है, ठीक है, तो रेड पार्टिकल्स को अगर देखो तो वो क्या कर रहा है, बस ऐसे 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 यही कर रहा है ना, राइट, ऐसे ऐसे रेड पार्टिकल देख रहे हो ना, दो दो रेड पार्टिकल्स बनाया है ना, दिख रहा है, yes, ma'am. तो रेड वाला जो दिख रहा है वो क्या कर रहा है, बस ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके के जो सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, जो लाइक पेंडुलम, हाँ लाइक पेंडुलम, इट्स जस्ट लाइक SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट राइट, बस ये अपने मीन पोजीशन से ऐसे 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 कर रहा है, इट्स जस्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, वाइब्रेशन, राइट। तो इसमें क्या बन रहा है, कॉम्प्रेशन और शो किया है, इट जस्ट हैज शोन दिस बाय हाइलाइटिंग द रेड, बाय हाइलाइटिंग द ब्लैक बाय रेड कलर, राइट, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स, इवन if you see one of the black particle, just look into one black particle, just look into one black particle, then you can easily see that it's doing to and fro motion, right, it's easily doing to and fro motion, that just it has highlighted with the red color so that you can see it easily, fine, Arham, are you okay, can you see that, okay, so ye kya ban raha hai, to and fro motion, to isme kya ban raha hai, rarefaction and compression, fine, rarefaction and कॉम्प्रेशन। तो ये वाली चीज क्लियर हुई कि कैसे रेयर फैक्शन और कॉम्प्रेशन बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, साउंड जो है वो प्रोपेगेट करता है मीडियम में, ठीक है, साउंड जो है वो प्रोपेगेट करता है। और एक चीज और जान लो, चलो ठीक है आगे जानते हैं कि ये पता है कि नहीं कि साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। साउंड बिना मीडियम के चल सकता है, मून में तुम बोल सकते हो, मून में तुम बोल सकते हो, मून में साइंटिस्ट बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते ना, मून में साइंटिस्ट कुछ लगाए रहते हैं मुंह में, राइट, है ना। तो वो क्योंकि मून में जो है एयर नहीं है, एयर नहीं है तो पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल नहीं है तो वो बोल नहीं सकते, ओके, पार्टिकल नहीं है तो वो बोल तो पाएंगे, बोलेंगे लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से होता है वो चीज, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में देख लिए हम लोग कि कैसे होते हैं,
किस तरीके से होता है, बस अबाउट मीन पोजिशन वो इस तरह ओसिलेट करते हैं एंड ड्यू टू विच क्या बनता है, कॉम्प्रेशन एंड रेरिफ्रेक्शन. ठीक है, ओके. और कुछ है इसमें? और इनको हाँ मैकेनिकल वेव्स कहते हैं क्योंकि इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है. राइट, इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है, कोई मीडियम होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई मीडियम होना चाहिए जिससे जिसके थ्रू ये ट्रेवल कर पाए, क्योंकि क्योंकि पार्टिकल ही तो है जो धक्का दे रहे हैं ना. पार्टिकल ही नहीं रहेंगे तो धक्का कौन देगा, क्योंकि खुद तो ट्रेवल करके जा नहीं रहा है. हम जो बोल रहे हैं वो खुद तो ट्रेवल करके जा नहीं रहा है, वो पार्टिकल की मदद से वो पहुंच रहा है ना, पार्टिकल की मदद से वो पहुंच रहा है. तो वो क्या होता है, मैकेनिकल वेव इसको कहते हैं. ठीक है, मैकेनिकल वेव कहते हैं. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन एयर. अब देखो हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे. ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क कभी देखे हो इस तरह से? देखे होगे ना, कैसे देखे हो? वो भी तो चिमटा जिसको कहते हैं, रोटी जिससे बनाते हैं, रोटी रोटी बनाते हैं ना. I've seen a tuning fork. It's like a U shape with a handle. हाँ, with a handle. Also, you can take an example of चिमटा. मम्मी लोग रोटी बनाती होंगी तो चिमटे से बनाती होंगी ना, तो ऐसे ऐसे करती हैं जब, तो वो क्या होता है, चिमटा ही ना होता है, तो उसको भी अगर तुम ऐसे करो तो वो वाइब्रेट करेगा, कट 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 कट. राइट, वो वाइब्रेट करेगा. तो अभी देखो इसका भी हम लोग देखेंगे. वाइब्रेट किया तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है. अब तो तुम लोग समझ रहे हो कहाँ पे कॉम्प्रेशन और कहाँ पे रेयरफैक्शन बन रहा है. जहां पर ज्यादा डार्क है वो क्या बन रहा है, वो वाला रीजन क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन. एंड लाइट एरिया इज द रेयरफैक्शन. ओके, ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉक की वजह से, ये एक एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉक. फाइन, ओके. तो ये वाला समझ में आया कि किस तरीके से कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन बन रहा है. तीनों में हम देख लिए कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है, मतलब ये हर केस में क्या बनता है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है. ठीक है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बनता ही बनता है, तभी साउंड जो है वो आगे बढ़ता है. ओके, ओके. इट व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इन एयर, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ कंप्रेशन व्हिच इट स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. ओके, जो कि वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से अवे जाता रहता है, कंप्रेशन जाता है, नॉट द पार्टिकल. पार्टिकल नहीं जाता, कंप्रेशन आगे बढ़ता है, रेरिफैक्शन आगे बढ़ता है. व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स रेरिफैक्शन. आगे बढ़ा, कंप्रेशन हुआ, पीछे आया रेरिफैक्शन. क्योंकि देखो किस तरीके से हो रहा है, लाइक यहाँ पर मेरा एक पार्टिकल हैंड है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा हैंड जो है, यहाँ पर से एक धक्का दिया तो वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया. जब ये यहाँ पर आया, इसको टकराया, तो ये इसी टाइम क्या बनता है, कॉम्प्रेशन हो जाता है. दिख रहा है ना मेरा हाथ सबको, इसी टाइम क्या बनता है, रेरिफैक्शन हो जाता है. और जब ये आगे बढ़ जाता है और ये दूर चला जाता है, दोनों टाइम से दोनों चीज सेम टाइम में हो रहा है ना, इसको आके धक्का मारा, ये आगे बढ़ा, ये कॉम्प्रेशन आ गया, कॉम्प्रेशन हो गया, ये आगे बढ़ा और ये उसी वक्त अपने मेन पोजीशन पर आ गया पिछले, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, फिर रेरिफ्रैक्शन. उसी टाइम क्या बन रहा है, कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रैक्शन. कॉम्प्रेशन बना, ये आगे बढ़ा, ये पीछे गया, रेरिफ्रैक्शन बन गया. इसी तरीके से फिर ये आगे, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्रेशन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ठीक है, नहीं है? Yes, ma'am, it's okay. समझ में आया ना कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. तो इसको तुम लोग जो है इसको पढ़ोगे भी कि किस तरीके से इंग्लिश में तुम लोग लिखोगे, दैट इट फॉर्म्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन विच गोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है, उसी जिस एरिया में तुम धक्का दिए हो उसी एरिया में आगे बढ़ता है. ऐसा नहीं कि तुम धक्का इसमें दिए हो ऊपर चला गया, नहीं. क्या होता है, जिस एरिया में हम बोल रहे हैं, अब देखो हम जो बोल रहे हैं वो आगे के लोगों को ज्यादा सुनाई देगा देन के पीछे के लोगों को, है ना. सिंस ऐसे थोड़ा सा जाएगा तो इस तरीके से जाएगा तो, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर से अगर मेरी आवाज यहाँ से ऐसे निकल रही है, मुंह मेरा यहाँ है, तो इधर के लोगों को ज्यादा सुनाई देगा, इधर के लोगों को कम सुनाई देगा. अब क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो डिस्टर्ब तो होंगे, राइट, डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन उतना डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे जितना कि आगे के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे. तो जितना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा वॉइस दूर तक, और क्या जाएगी, उतना ज्यादा वॉइस जो है उस तरफ जाएगी. ठीक है, ओके, ओके. टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल एंड हाँ, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल. अब यहां पर हम बताए थे कि पिछले बार में कि क्या हुआ था, कि साउंड को क्या चाहिए,
मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए. विदाउट मीडियम इट कैन नॉट ट्रेवल. ये कोई लाइट नहीं है कि तुम्हारे सूरज से उठी है और वो कहाँ आ जाएगी, अर्थ पर आ जाएगी. ठीक है, लाइट सूरज से कैसे अर्थ पर आती है, लाइट लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होती है. ठीक है, तो लाइट वेव जो होती है वो कहाँ पर, वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में जहां एटमोस्फेयर अर्थ का खत्म होता है वहां से क्या शुरू होता है, वैक्यूम शुरू होता है. राइट, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, सबसे ऊपर वाला शायद आयनोस्फेयर होता है, उसमें पड़े हो गए, क्या नाम है ज्योग्राफी में, ना ज्योग्राफी में ही पढ़ते हो ना, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और नीचे कौन कौन से फेयर होते हैं, स्फेयर होते हैं, है ना, चार स्फेयर होते हैं ना, चार स्फेयर होते हैं, तो सबसे ऊपर शायद एटमॉस्फेयर होता है. उसके बाद क्या होता है, हो जाता है फिर वैक्यूम. तो वहां से भी तो लाइट आती ही है ना, लाइट तो सूरज से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, दूर से आ रही है, तो वो तो क्या हो गया, ट्रेवल तो कर दी, लाइट तो ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम, लेकिन साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता. आप सोचो अर्थ, सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सन में कितना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, कितना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है हीलियम गैसेस का, होता है ना, एक्सप्लोड होते हैं हीलियम गैसेस. सोचो एक्सप्लोड जो होते हैं वो कितनी तेज आवाज करता होगा, है ना, एक सेकंड में कितनी बार एक्सप्लोजन होता होगा. शजान, आर यू लिसनिंग, एक सेकंड में कितना ज्यादा एक्सप्लोजन होता होगा. Yes, ma'am, I'm listening to you. लेकिन उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती. क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि क्योंकि वैक्यूम है. वो चाहे जितना मन मर्जी अपना एक्सप्लोड करता रहे उसकी उसी की वजह से तो इतना एक्सप्लोजन होता है, उसी की वजह से तो इतना सूरज चमकता है ना. एक पटाखा भी जलाओ तो वो कैसे करता है, लाइट उसमें आती है ना, पटाखा जलाने पर लाइट आती है. तो क्या होता है, तुम लोग को गाने की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है, बगल में गाना चल रहा है, कोई शादी वादी है शायद. अरहम, व्हाई आर यू मेकिंग योर फेस लाइक दिस, डू यू वांट टू लिसन म्यूजिक, हाँ डू वांट टू, तो साउंड पड़ रहा है ना, तो साउंड उनको यहाँ से भी सुनाई दे रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, नो आइडिया, व्हाट यू नो आइडिया, देयर इज नो साउंड कमिंग थ्रू योर माइक्रोफोन, नो आइडिया. हाँ, तो क्या हो रहा है, सन में भी बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, बट वी कैन नॉट लिसन टू देम बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम. साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए. ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे, तुम लोग के ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हम दिखाने जा रहे हैं वो उसमें भी है, तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में है ना, नीचे दिया हुआ है ये दिस डायग्राम. साउंड पढ़े हो अभी तक, देखे हो कभी बुक, साउंड खोल के, चैप्टर खोल के देखे हो, तुम कैसे देखोगे यार, हम व्हाई आर यू सेइंग यस, शजान हैव यू सीन द चैप्टर साउंड, चेक करोगे तो ये लेफ्ट हैंड, तो ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ये एक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, ये देखने के लिए कि साउंड ट्रेवल थ्रू साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो यही एक्टिविटी हम लोग इसमें बुक आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, लेट्स सी, आवाज आ रही है कि नहीं बताना हमें, आवाज आ रही है कि नहीं बताना. How does sound propagate? Yes, ma'am. Does it require a medium to travel? Let's find out through this activity. Here, we have an electric bell suspended in an A-type bell jar. This jar is connected to a vacuum pump. Plug in the plug key to turn on the bell. The bell now starts emitting sound that can be heard loud and clear. Let us now gradually pump the air out of the jar. यहाँ पर पंप लगाया हुआ है, राइट, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है. हाँ, ये क्या कर रहा है, सारा एयर इसमें से निकाल दे रहा है. पहले तो ये बहुत तेज आवाज कर रहा है, लेकिन जैसे ये सारा एयर निकाल रहा है, ये जो लेवल बता रहा है, एयर लेवल बता रहा है, जैसे ये एयर लेवल को कम कर रहा है, वैसे वैसे इसकी आवाज भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है ना, इसकी आवाज भी क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है. और जैसे फिर से एयर भर रहा है, फिर से इसकी आवाज तेज हो जाएगी, टन 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 टन, और जैसे आवाज जो है, जैसे एयर लेवल कम हो रहा है, वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर दे रहा है, एयर को निकाल दे रहा है, वैसे ही आवाज इसकी एकदम खत्म हो जाएगी. देखो, इनिशियली रिड्यूसिंग द एयर प्रेशर इन द जार यूजिंग द वैक्यूम पंप, वी कैन नाउ ऑब्जर्व द साउंड बिकमिंग फेंटर एज द एयर प्रेशर रिड्यूसेस इन द जार. When the air is removed completely, no. मार रहा है खट 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 खट, लेकिन आवाज कुछ नहीं हो रहा है, because there is no air inside it, because air level क्या हो गया है,
0%. No sound can be heard at all. Thus, we can conclude that sound is a mechanical wave and needs a material medium for its propagation. Require a medium. Let's find out through this activity. Here, we have an electric bell suspended in an A-type bell jar. This jar is connected to a vacuum pump. Plug in the plug key to turn on the bell. The bell now stands at the given point that can be heard loud and clear. Hena, jaise ye air level kam ho raha hai, waise kya ho raha hai? What's happening? Moment decrease when sound level decreases. Sound level is getting decreased, and when the air level got to 0%, and the sound level, we could not hear the sound anymore. Right? Because there are no particles. Because there is no particles to help them to convey the information of sound to the other particles so that it can propagate. There is no any particle. Okay? So, ye hota hai hamara. Sound needs medium to travel. अब देखो सबसे ज्यादा जो अच्छे से ट्रेवल कर पाता है साउंड. अब तुम लोग बताओ कि पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तुम लोग खुद बताना. पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है. पार्टिकल किसने किसमें होते हैं? सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैस में होते हैं, राइट? तो सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा या लिक्विड में करेगा या गैस में करेगा? सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करेगा अच्छे से? तेज, जिसमें लाइट की स्पीड, सॉरी साउंड की स्पीड ज्यादा होगी. टेल मी, पार्टिकल चाहिए. अच्छा बताओ, तुम्हें नॉलेज चाहिए, ठीक है? तुम्हें नॉलेज चाहिए. तुम्हें ज्यादा अच्छे टीचर बता पाएंगे कि कम अच्छे टीचर बता पाएंगे कि एकदम खराब टीचर बता पाएंगे? ज्यादा नॉलेज तुम्हें चाहिए. ज्यादा नॉलेज तुम्हें चाहिए तुम्हें आईआईटी पास करने के लिए, आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए. तो तुम्हें कैसे टीचर चाहिए? ज्यादा टीचर, जिनके पास ज्यादा नॉलेज हो, राइट? जिनके पास ज्यादा नॉलेज हो. तो साउंड को मीडियम चाहिए, पार्टिकल चाहिए ट्रेवल करने के लिए. तो किसके पास सबसे ज्यादा पार्टिकल है? सॉलिड के पास है कि लिक्विड के पास है कि गैस के पास? सॉलिड के पास है या लिक्विड के पास है या गैस के पास है? मान लो सॉलिड में. सॉलिड. हाँ, सॉलिड. यस, सॉलिड. तो ये है हमारा तीन चीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं, राइट? ऐसे ऐसे हैं, एकदम कॉम्पैक्ट है ना, एकदम कॉम्पैक्ट. बगल में शादी है भाई, आवाज आ रही है, हम पढ़ाएं कि गाना सुने? ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? और ये गैस के पार्टिकल्स हैं. अब बताओ कि किसमें साउंड ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएगा, ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर पाएगा? सॉलिड. सॉलिड में क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, मोर पार्टिकल्स हैं. हाँ, अब ऐसे जैसे कि सटे सटे खड़े हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसे किया आगे बढ़ गया, वो उसको ऐसे किया, वो उसको ऐसे, बस हाथ हिलाना है ना इसमें, बस हाथ हिलाना है, कुछ ज्यादा वाइब्रेट भी नहीं करना, इधर से इधर जाना भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाना है. वो क्या कर दिया? आगे बढ़ गया. हाँ, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, इस वाले पार्टिकल को ऐसे करना पड़ेगा, फिर अपनी जगह पे आना पड़ेगा. तो वाला पार्टिकल बगल वाला पार्टिकल ऐसे करेगा, फिर अपनी जगह पे आएगा. गैस वाला पार्टिकल को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे जाना पड़ेगा, फिर जाकर के अपनी जगह पे आना पड़ेगा. फिर वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर अपनी जगह पे आएगा, राइट? क्योंकि वो थोड़े दूर दूर है, थोड़ा ऐसे इतना दूर जाएगा, तब जाकर के वो क्या होगा, अगले पार्टिकल को ये धक्का दे पाएगा, तो फिर ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पे आ पाएगा, और फिर ये धक्का दे करके अपनी जगह पे आ पाएगा, फिर ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सॉलिड में कर, अच्छे तरीका मींस सबसे ज्यादा जल्दी. स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा इसकी होगी, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड विल बी द हाईएस्ट इन सॉलिड. गैस में जो होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है, इसमें जो होता है वो कितना होता है, 1530 कुछ ऐसा होता है, 1500 के रेंज में होता है, हमको बहुत अच्छे से याद नहीं है लिक्विड और गैस का, लिक्विड और सॉलिड का. और सॉलिड में 5000 समथिंग होता है, ठीक है? 5000 के रेंज में होता है, तो मीटर पर सेकंड. तो इसमें देखो कितना ज्यादा है और गैस में कितना ज्यादा है, हम लोग सर्च कर देते हैं, हमको क्योंकि याद नहीं है. 1480 1500 के रेंज में हुआ ना, है ना? 1480 लिख देते हैं, चलो. लिक्विड में 1480 के रेंज में होता है, मान लो ये वाटर का है, ठीक है? 1480 और 6000 है, ठीक है? तो सॉलिड में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कई सारे चीजें हुई ना सॉलिड में. सोनोरस मेटल, सोनोरस मेटल में थोड़ा ज्यादा होगा. और जैसे कि इसमें वुड में थोड़ा धीरे होगा ना, ये सारे भी तो होते हैं ना,
तो ये 6000 के रेंज में मान लेते हैं, चलो 5000 टू 6000 के रेंज में, ठीक है। तो इसमें कितना ज्यादा है, ये 330 और ये 6000 और ये 1500 का रेंज, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। तो सॉलिड में बहुत तेजी से ट्रेवल करता है क्योंकि एकदम कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट हुआ तो जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा साउंड ट्रेवल करेगा। कभी ये वाली चीज की हो कि बगल में कान ऐसे रखो बेंच में अपने और हल्का सा उंगली करो, तुम्हें एयर में वो आवाज नहीं आएगी, एकदम हल्का सा करो तुम्हें आराम से इसमें आवाज आएगी। इवन इफ यू टच इट मैम, यू विल टच इट विद वेरी वेरी लाइट हैंड, वेरी लाइटली, तो तुम्हें आवाज नहीं आएगी, यहाँ से आवाज नहीं आएगी। मान लो तो तुम्हारा फ्रेंड जो ऐसे ऐसे कान कान लगाए हुआ है और तुम जो ऐसे की हो, तुम्हें आवाज नहीं आएगी लेकिन उसे आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आवाज चली गई, यहाँ तक वाइब्रेट हो गया है ना, हल्का सा भी वाइब्रेट हो गया लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं आ पाई, क्योंकि लाइट क्योंकि गैस में उतने आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी जितना कि वो किसमें कर लेगी, सॉलिड कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, और कैसे मीडियम में ज्यादा ट्रेवल कर पाएगी वो भी हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल कैसे, कोई स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को तुम ऐसे लो, ऐसे करोगे तो क्या होगा कि यार रोप ले लो, स्प्रिंग लोगे ज्यादा अच्छे से दोनों चीजें देख लेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल भी ट्रांसवर्स भी। रोप लेंगे सॉरी स्ट्रिंग लेंगे या स्प्रिंग लेंगे, ठीक है स्प्रिंग लेंगे या स्पाइरल बाइंडिंग का जो नहीं होता है स्प्रिंग, स्लिंकी जिसको कहते हैं, वो वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको ऐसे करेंगे वो क्या होगा, ऐसे से जाएगा, है ना, ऐसे से जाएगा। इसको क्या कहते हैं, जो ऐसे वेव जाता है इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। देखो एक चीज में कंफ्यूज मत होना, अभी जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना इस लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव का, तो वो भी ऐसे रहेगा, लेकिन बट दैट इज नॉट द वे द साउंड वेव मूव्स इन द मीडियम, दिस इज नॉट द वे। वो बस हम लोग क्या बताएंगे, कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग ग्राफ को ऐसे बना करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि साउंड इस तरीके से ट्रेवल करता है, साउंड तो इसी तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक है, साउंड तो इसी तरीके से ट्रेवल करता है, फाइन। तो अब देखेंगे, देखो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव बता रहा है मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में ये फर्क होता है कि ट्रांसवर्स जो होता है वो तुम यहाँ पर से स्टार्ट किए, ये जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है सोर्स से, 90 डिग्री बनाता है, बट जो ये होता है वो टोटल 180 तुम्हें 0 डिग्री बनाता है, समझ लो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है। That one is not straight. हाँ, ये इस तरीके से जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है और ये स्ट्रेट आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अभी जो हम ग्राफ बनाएंगे उससे कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि इसमें तो ऐसे साउंड ऐसे जा रहा है, नो ऐसे नहीं जा रहा है, वो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे खाली कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा क्या होता है, तुम अगर स्लिंकी को ऐसे पुश करो तो क्या करेगा, आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए, ठीक है। अभी हम लोग देखो देखेंगे इसमें, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये ऐसे जा रहा है और ये कैसे जा रहा है, ऐसे पुश हुआ, ये ऐसे जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, ये कॉम्प्रेशन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है ना, समझ गए। ट्रांसवर्स वेव कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गोइंग लाइक दिस, ओके यस और नो, ओके और नो, यस मैम, ठीक है। तो अभी इसी में दिखा दें क्रस्ट एंड ट्रॉफ, ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है कि इस तरीके से जा रहा है, स्ट्रिंग ऐसे कर रहा है और ये मान लो यहाँ पे हम इंड को फिक्स कर दिए, किसी रोप के इंड को फिक्स कर दिए और हम लोग ऐसे किए वो क्या किया, ऐसे ऐसे जाना शुरू कर दिया, एक बार ऐसे किए वो ऐसे ऐसे जाना शुरू कर दिया और वो यहाँ पर से क्या है, फिक्स है, तो वो ऐसे 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 बना दिया अपना, ऐसे ऐसे से बना दिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो, हम लोग बताए ना कि हम लोग ग्राफ तो इस तरीके से पढ़ेंगे बट इस तरीके से वो ट्रेवल नहीं करता, तो ये जो अभी हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में कि किस तरीके से आगे ट्रेवल कर रहा है, तो ये ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो ये देखो ऊपर वाला जो होता है ना, जब ये ट्रेवल किया है, जब ये हायर एम्पलीट्यूड जब होता है, जब वो जितना ऊपर तक जा सकता है उसको कहते हैं क्रेस्ट,
जो सबसे ऊंचाई की तरफ जो हम लोग बनाते हैं उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचाई की तरफ होता है, जो नीचा पोर्शन होता है उसको कहते हैं ट्रॉफ। ठीक है, कितना दूर आगे बढ़ा, पीछे आया, मीन पोजिशन। ये दिस इज द मीन पोजिशन, दिस इज वॉट द मीन पोजिशन। आगे बढ़ा, पीछे आया, मीन पोजिशन पे आया, आगे बढ़ा, पीछे आया, मीन पोजिशन पे आया। अभी जो हम लोग हम जो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, राइट। पार्टिकल पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, यहां तक पीछे आया, फिर मीन पोजिशन, अपने जगह पे आ गया, आगे बढ़ा, पीछे बढ़ा, फिर मीन पोजिशन। ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम लोग हम क्या बना रहे हैं, वेव ऐसे ही जा रहा है ना, लेकिन हम लोग ग्राफ इसका इस तरीके से बना रहे हैं, राइट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, आगे बढ़ा, पीछे आया, तो इसको जो आगे जितना बढ़ रहा है, जितना ज्यादा, जितना आगे तक बढ़ेगा, और आगे बढ़ा और बढ़ा बनेगा, तो ये क्या बनेगा, तुम्हारा जितना आगे जा रहा है उसको कहेंगे क्रेस्ट। क्या कहेंगे, क्रेस्ट। यही नहीं कि बीच में जब हम बताए हैं ना, आगे जब बढ़ता है तो वो क्या बनता है, कॉम्प्रेशन होता है ना, आगे जब बढ़ता है तो कॉम्प्रेशन रहता है, और जब पीछे आता है तो उसको रेरिफैक्शन कहते हैं। तो ये दोनों के जो बीच की बीच का है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्रेशन बन जाता है, ये जो क्रेस्ट है। ठीक है, ये क्रेस्ट है तुम्हारा, ऊपर तो जितना आगे बढ़ रहा है उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे आ रहा है उसको कहते हैं ट्रॉफ। ठीक है, ठीक है, पीछे आने को ट्रॉफ, आगे जाने को क्रेस्ट, मतलब ऊपर आने को क्रेस्ट, नीचे आने को ट्रॉफ। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को ट्रॉफ कहेंगे। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है आगे की तरफ, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ, और ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, मतलब वो मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इस तरीके से बनता है। ये एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव का ही बनाया है, हम तो इसको तुम्हें उसमें बता दिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में बता दिए, मैं लगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का है, तो इट्स ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी इसी तरीके से हम देखेंगे, इसमें भी इसी तरीके से होता है, क्रेस्ट और ट्रॉफ बनता है। ठीक है, और इसमें एक्चुअल में पार्टिकल एक्चुअल में वेव जो है वो ऐसे जाती है। ओके, फाइन, यस मैम, फाइन। तो टॉपिक टू शुरू करें कि रहने दें? मैम स्टार्ट इट, इट्स मोर बेटर। शुरू कर दे, टॉपिक टू खत्म कर देंगे, वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। नो मैम, यू स्टार्ट इट, इट्स ओके। चलो, तो इसमें टर्म्स टू डिस्क्राइब, जस्ट अ सेकंड, अब इसमें टर्म्स हम लोग कुछ पढ़ेंगे। देखो, ये रिलेटेड टू जस्ट साउंड वेव नहीं है, ये जो टर्म्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू ऑन एनी वेव है। ठीक है, कोई भी वेव है, इसमें लिखा हुआ है साउंड वेव, बट इट्स कैन वी कैन कॉल इट एनी टर्म्स टू डिस्क्राइब एनी वेव। सभी वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होता है, लाइट में भी वेवलेंथ होता है, राइट, वेवलेंथ होता है। तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे कि कैसे वेवलेंथ और क्या हो रहा है। ओके, अब देखो, ये जो वेवलेंथ होता है, ये जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जो होता है वो नीचे वाले को हम लोग लेंथ मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मान लेते हैं अभी के लिए, डिस्टेंस, और यहाँ पर मानते हैं हम लोग डेंसिटी या प्रेशर, जितना प्रेशर, कितना प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, कितना प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर या कह सकते हैं या डेंसिटी कह सकते हैं, इधर ऑफ द थिंग यू कैन से व्हाट हैपेंड टू दिस प्रेशर, और यू कैन से डेंसिटी। ओके, प्रेशर और डेंसिटी। तो ये जो ऊपर जितना बढ़ा है ना, ऊपर जितना बढ़ करके ये जो दो क्रेस्ट की दूरी है, ये जो दो क्रेस्ट की दूरी है उसे कहते हैं क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ देखो, लेंथ की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेंथ की तरह लग रहा है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए, है ना, लेंथ ही ना है, इसकी यूनिट मीटर होनी चाहिए। एंड एंड व्हाट एल्स, इसका जो हम लोग डिनोट करते हैं इसको, वेवलेंथ को, वो हम लोग लैम्ब्डा से करते हैं। किस तरीके से लिखाता है ये लैम्ब्डा, नियम लिखना चाह रहे हैं, ये तो इसकी तरफ चला जा रहा है। तो ये वेवलेंथ को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी और प्रेशर। तो ये हम लोग वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्ब्डा से, और इसकी यूनिट क्या होती है, लैम्ब्डा। देखो स्पेलिंग इसकी क्या है, LAMBDA, लैम्ब्डा। ओके, और स्पेलिंग इसकी क्या है, व्हाट इज इट स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग तो लिख दिए, व्हाट इज इट SI यूनिट इज मीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और ये होता क्या है, टू क्रेस्ट के बीच की दूरी, या फिर कहो टू ट्रॉफ के बीच की दूरी, इसी को क्या कहते हैं, लैम्ब्डा। टू क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर टू ट्रॉफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, लैम्ब्डा। अब देखो इस वाले में, देखो इस वाले ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में ये मान लेते हैं हम लोग लैम्ब्डा वन है।
ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं लेमडा वन है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है इसमें, तो ये इसको मान लेते हैं हम लोग लेमडा वन। ओके, अब इसको मान लेते हैं लेमडा टू, जिस वाला ये वाला लेमडा टू है। तो अब बताओ लेमडा टू जो है, लेमडा टू जो है वो ज्यादा है या लेमडा वन, इसका लेमडा ज्यादा है या इसका लेमडा ज्यादा है, किसका लेमडा ज्यादा, किसकी दूरी ज्यादा लग रही है? लेमडा वन ज्यादा है ना। ये देखो ये क्या कर रहा है, उतने देर में ये ज्यादा ज्यादा बार वाइब्रेट हो गया है ना। तो ये दो दो क्रेस्ट की दूरी या फिर दो ट्रॉफ की दूरी को लेमडा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो ऐसे ऐसे जो कर दिया ज्यादा बार क्या हो गया, वाइब्रेट कर दिया, थोड़े से दूरी पर ज्यादा बार वाइब्रेट कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ इसका कम है और इसका वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, मींस लेमडा वन इज ग्रेटर देन लेमडा टू, लेमडा वन इज ग्रेटर देन लेमडा टू। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात हुई। अब जैसे कि हम लोग लाइट वेव में देखते हैं कि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, बहुत दूर तक जाता है ना, ये दूर तक गया है ना, दो क्रेस्ट की दूरी है ना, दूर तक गया। तो इसको क्या कहते हैं कि वेवलेंथ ज्यादा होना। तो इसी तरीके से साउंड वेव में जिसकी वेवलेंथ ज्यादा रहेगी इसको क्या कहेंगे, इसको इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसको हर वेव के लिए कह रहे हैं, किसी भी वेव के लिए हम लोग इसको इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस क्रेस्ट की दूरी क्या हो गई, लेमडा, तो इसमें लेमडा ज्यादा लेमडा कम। अभी देखो ये चीज हम अभी आगे भी लाएंगे, अभी फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे, टाइम पीरियड पढ़ेंगे, एक हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें इसमें एक चीज आएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देख लो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ज्यादा बार अकर कर दिया ना, उतने देर में अगर देखो तो ये क्या हो रहा है, ये डेढ़ बार अकर कर रहा है या फिर कहो दो बार अकर कर रहा है ना, है ना। ये वेव जो है वो यहाँ पर तीन बार आ गया है ना, जितनी देर में ये सिर्फ और सिर्फ अगर तुम इसको देखो फ्रिक्वेंसी इसकी ज्यादा लगेगी। कैसे देखोगे, किस कलर से देखोगे, पिंक कलर से देखते हैं, यहाँ पर तक आया ना, देखो यहाँ पर आ रहा है लाइन इसके, यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर ये कितने बार वाइब्रेट कर दिया, एक बार, दो बार, ढाई बार, यू कैन से इट ढाई बार वाइब्रेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये एक या आधे डेढ़ बार कर पाया और इतनी देर में ये क्या कर दिया, ढाई बार वाइब्रेट कर दिया। ठीक है, एक एक क्रेस्ट की दूरी और दो क्रेस्ट की दूरी, और इसमें कितनी हो गई, यहाँ पर ये एक क्रेस्ट की दूरी, सॉरी यहाँ पे दो क्रेस्ट की दूरी, यहाँ पे ये तीन क्रेस्ट की दूरी हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो इसकी ज्यादा हो गई, फ्रिक्वेंसी अभी हम बताएंगे तो और भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे ज्यादा बार वाइब्रेशन अकर हो गया, ज्यादा बार वाइब्रेशन अकर हो गया। अभी ये वाला वर्ड देखो, अब देखो हम लोग फ्रिक्वेंसी देखेंगे, फ्रिक्वेंसी जो देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी देखो, फ्रिक्वेंसी मतलब समझ रहे हो, अभी हम तुमको बोल रहे थे कि वाई आर यू लुकिंग हेयर एंड देयर सो फ्रिक्वेंटली, मीन्स बार बार तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो ना। समटाइम्स वी से दैट अरहम इतना ज्यादा डांट क्यों सुनता है, फ्रिक्वेंटली डांट क्यों सुनता है, अपने बाबा से फ्रिक्वेंटली मार क्यों खाता ठीक है, happen nowadays. You're not, what? It's not happening nowadays. Oh, really? Then it's good. But still, शजान के लिए कहेंगे, शजान अपने पापा से फ्रिक्वेंटली डांट क्यों सुनता है। ठीक है, तो इसका मतलब कम टाइम में ज्यादा डांट सुन लेता है। मान लो एक महीना में ये पांच बार डांट सुन लिया, एक महीना में, वन मंथ में शजान पांच बार इसके पापा इसको खूब सारा डांट दिए, और अरहम को एक मंथ में, अब क्योंकि बोल रहा है कि कम डांट सुनता है तो चलो मान लेते हैं तीन बार डांट सुना। ठीक है, तीन बार मार खाया। तो फ्रिक्वेंट कौन ज्यादा हुआ, जल्दी कौन अकर हुआ, जल्दी किसने अकर हुआ बताओ, फ्रिक्वेंटली किसको कहेंगे, शजान डांट खाने को कहेंगे फ्रिक्वेंटली या फिर अरहम के डांट खाने को फ्रिक्वेंटली कहेंगे, शजान के डांट खाने की फ्रिक्वेंटली कहेंगे। तो यहाँ पर बताओ कौन, किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी। यहाँ पर इतने दूर में मान लेते हैं हम लोग ये एक वेव कंप्लीट हुआ, राइट, एक वेव कंप्लीट हुआ, तो हम लोग इसी को जो है लाइन बना देते हैं, ये एक वेव हुआ प्लस दूसरा ये वेव हुआ, तो यहां तक आ रहा है। तो कौन सा तुम्हें, अरे तुम पूरे का ले लो ना, इतना देखने की क्या जरूरत है, पूरे का ले लेते हैं ना, ये ठीक है, इतने दूर में, इतने देर में और इतने देर में किसकी कौन ज्यादा बार अकर हो रहा है, ये एक बार हुआ प्लस दूसरा ये हुआ, ठीक है ना, दो बार हुआ ये अकर, दो बार हुआ, राइट, पूरा एक कंप्लीट हुआ ना, दो बार हुआ। इसमें क्या हुआ, ये एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ,
फिर तीसरी बार हुआ एंड अगेन चौथी बार होने के लिए तैयार हो गया, है ना। इसमें कितनी बार हुआ, एक दो, समझ गया ना, समझ रहे हो ना, दो, और इसमें एक दो तीन एंड दिस फोर, ठीक है। तो इसमें फोर या बोलो कि 3.5, तो कि कौन सा ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी किसमें ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी किसमें ज्यादा है, दूसरे वाले में या फर्स्ट वाले में। हाँ सेकंड, हाँ सेकंड में। तो अभी अभी देखते हैं, देख तो ये तो ले देख लें कि फ्रिक्वेंसी डिनोट हम लोग किससे करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, किससे, व्हाट, यू, न्यू 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 को मान लो वी बनाओ और वी को धक्का दे दो, धक्का दे दो पीठ पे, तो क्या हो जाएगा, न्यू और न्यू 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 जाएगा, एक न्यू टाइप का वी बन जाएगा, उसको कहते हैं न्यू, ठीक है। वी को बनाओ और पीठ पे मुक्का दे दो, क्या बन गया, टेढ़ा हो गया। और हमको ऐसे पीठ पे धक्का दे दो, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, पेट निकाल के, है ना, वो ऐसे ये होता है, वी रहता है लेकिन क्या हो जाता है, इसको एक मुक्का मिल जाता है पीठ पे, ऐसे हो जाता है टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है। इसी तरीके से बनाओगे तुम लोग, वी मत बना देना, वी और न्यू में फर्क होता है, ठीक है। दिस इज न्यू, ओके, टेढ़ा बनाना, टेढ़ा, तो दिस इज न्यू, ओके। तो इसको कहेंगे हम लोग न्यू, और इसका जो इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, व्हाट इज इट, हर्ट्स। आल्सो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एच जेड से करते हैं। आल्सो इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है पर सेकेंड, व्हाट इज इट, पर सेकेंड। अभी बताते हैं पर सेकेंड का यहाँ पर क्यों जिक्र आया है, ठीक है। हर्ट्स होती है, हर्ट्स बोल दिए थे कि ये हर्ट्स होगी तो हर्ट्स होगी, जब वो बोले हैं होना है, साइंटिस्ट भाई अपना नाम तुम भी कुछ करो बड़ा काम, तुम भी अपना नाम दो, तुम्हारा भी नाम पे नाम आएगा, शजाम, एस जेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है साइंटिस्ट बोलेंगे तो वो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। हर्ट्स नाम दे दिए, वो फ्रिक्वेंसी बताए तो उनका नाम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू वन है और ये न्यू टू है, कौन सा ज्यादा, कौन सा ज्यादा, न्यू टू ज्यादा, न्यू वन ज्यादा, न्यू टू ज्यादा, राइट। देखो वी लग रहा है, ये गलती तुम लोग मत कर, न्यू टू ज्यादा, न्यू वन ज्यादा, न्यू टू ज्यादा। एक चीज देख लो यहाँ पे, लेमडा वन ज्यादा, दोनों एक ही जैसा वो बन रहा है ना, वेव दोनों एक जैसा है ना, ये एक ये एक ये एक ये बिल्कुल एक जैसा है ना, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, एक जैसा बनाया है कि नहीं बनाया है, ऊपर वाला इसका वही है, नीचे वाला इसका वही है, जो इसका ऊपर वाला जो इसका नीचे वाला, लेकिन डिफरेंस क्या था, इसमें लैम्डा वन ज्यादा वेवलेंथ एंड लैम्डा वन ज्यादा था लैम्डा टू से, और दूसरे वाले केस में न्यू टू ज्यादा है न्यू वन, वी मत बनाओ ना, न्यू ही बनाओ, तुम एन भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, फ्रिक्वेंसी को एन भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अभी हम लोग इस साउंड वेव में हम लोग ज्यादातर न्यू ही लिखते हैं, इसीलिए न्यू ही लिखते हैं, तो न्यू टू ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, कुछ ऐसा लग रहा है तुम लोग, फीलिंग आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना। और हम ज्यादा डांट सुन रहे हैं तो शजान कम सुनेगा, शजान ज्यादा सुनेगा तो अरम कम सुनेगा, है ना, ठीक है ना। तो इन दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं। अभी हम लोग एक रिलेशन लाएंगे, उसमें आराम से लगेंगे क्या, तुम लोग को दिखेंगे, अभी तो उसमें सिर्फ लग रहा है ना। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, राइट, न्यू, अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को दिखेगा भी। तो अब देखते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड देख लो भाई, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में क्या है कि हाँ, टाइम पीरियड में अब देखो, तुम्हें टाइम पीरियड जो है वो फ्रिक्वेंसी का उल्टा लगेगा, कैसे फ्रिक्वेंसी का उल्टा लगेगा, देखो ये एक और हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाए थे, इसका यूनिट जो है पर सेकंड होता है, पर सेकंड बता रहा है ना कि कुछ उल्टा है टाइम से, उल्टा चक्कर चल रहा है इसका, टाइम से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके सीधा चक्कर चल रहा है, उल्टा चक्कर चल रहा है ना, एंटी चल रहा है, तुम ज्यादा हो सकते हो तो हम कम होंगे, हम ज्यादा हो गए तो तुम कम होंगे, है ना, लाइक दिस, उल्टा चक्कर चल रहा है ना, इससे नहीं चल रहा है, पर सेकंड के वजह से ऐसा लग रहा है कि उल्टा चल रहा है, तो अभी लग क्या रहा है, दिखेगा भी। अब देखो मान लेते हैं हम ये टाइम है, ठीक है, मान लेते हैं ये टाइम एक्सिस है, तो ये टाइम एक्सिस यहाँ पर से ऐसे जैसे बनाए थे हम लोग वैसे बना देते, ये देखो अब हम लोग किस तरीके से देखेंगे इस चीज को, कि ये इसको एक दो दो बार फ्रिक्वेंसी करने में, टू टाइम्स वेव करने में इसको इतना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं वन सेकेंड है ये, ठीक है, वन सेकेंड लग रहा है, ठीक है,
वन सेकेंड लग रहा है, ये भी वन सेकेंड हुआ, ठीक है, ये भी वन सेकेंड हुआ, ये कितने बार कर ले रहा है, एक दो तीन एंड चार, फोर टाइम कर ले रहा है ये। इसका मतलब टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, टाइम पहले वाले में ज्यादा लग रहा है या दूसरे वाले में ज्यादा लग रहा है, पहले वाले में ज्यादा लग रहा है या दूसरे वाले में ज्यादा लग रहा है? मैम नो आईडिया फॉर दिस वन, नहीं है आइडिया, नहीं समझ में आ रहा है इसको, ये एक सेकंड में, एक सेकंड में, नो मैम अंडरस्टैंड आई गेस इट्स द फर्स्ट वन, इट्स द फर्स्ट वन में ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, एक सेकंड में दो बार कर पा रहा है, टू टाइम्स पहले केस में, और ये एक सेकंड में कितने बार कर ले रहा है मैम, फोर टाइम्स, थ्री फोर टाइम्स कर ले रहा है। तो इसका मतलब वन टाइम में, वन टाइम ये वन बाई टू टाइम, वन बाई टू सेकंड में कर ले रहा है, और ये वन टाइम कितने बार में कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, वन बाई टू सेकंड में। तो कौन जल्दी किया मैम, द सेकंड वन, जल्दी जल्दी सेकंड वन किया, टाइम किसने ज्यादा लगा मैम, फॉर द फर्स्ट वन इट टुक, फर्स्ट वन, इसका मतलब टी वन जो है वो ग्रेटर हो गया टी टू से, हुआ ना, टी वन ग्रेटर हुआ टी टू से, हुआ कि नहीं हुआ? फॉर सर मैम, फॉर एम्पलीट्यूड मैम, द फर्स्ट वन द सेकंड वन रियली ग्रेटर, अभी अभी रुको, अभी एम्पलीट्यूड अभी करते हैं, पहले टी वन का तो देख लो, टी वन ग्रेटर हुआ टी टू से, और यहाँ पर क्या था, वी टू ग्रेटर था न्यू टू ग्रेटर था न्यू वन से, उल्टा हुआ। ये जो होता है ना, ये जो न्यू होता है ना, वो वन अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, वन अपॉन टाइम, वन बाई टी होता है। न्यू मतलब कितने बार अगर होना कोई चीज, कितने बार अगर होना, जैसे अभी हम यहाँ पर निकाले ना, ये जो वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू सेकेंड निकाले है ना, हाँ, ये जो टू टाइम्स है, दिस इज न्यू हेयर, राइट, दिस इज न्यू हेयर। तो हम लोग क्या निकाले, टू टाइम्स वन सेकेंड में कर रहा है ना, यही निकाल रहे हैं ना, टू टाइम्स वन सेकंड में कर रहा है, राइट। तो ये टाइम्स है ना, कितने बार ओसिलेट कर रहा है कोई चीज, कितने बार ओसिलेट कर रहा है कोई चीज, तो कितने बार को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यू फ्रिक्वेंसी, कितने बार अकर कर रहा है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, टू टाइम्स अकर कर रहा है, तो ये टू हो गया फ्रिक्वेंसी। ये वन अपॉन, ये क्या होता है, टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड। तो मान लो टाइम दिया हुआ है तुमको टू सेकेंड, ठीक है, टाइम दिया हुआ है टू सेकेंड, तुम्हें फ्रिक्वेंसी मालूम कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, दैट इज वन बाई टू, वन बाई टू इज द फ्रिक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में वो कितने बार कर रहा होगा, एक सेकेंड में वो कितने बार कर रहा होगा, एक सेकेंड में वो कितने बार कर रहा होगा बताओ, टू सेकेंड में, हाफ कर रहा होगा, हाफ 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 आया ना। Okay. कोई अच्छा सा लेते हैं एग्जांपल जिसमें कि समझ में आए, चलो टू सेकंड नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं हम वन बाई टू सेकंड लेते हैं, ठीक है, वन बाई टू सेकंड, वन बाई टू सेकंड लिए, इसका मतलब कि अगर हमको फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी इज व्हाट, वन अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी दैट इज टू, तो इसका मतलब टू टाइम्स जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, किसने में, टू टाइम्स जो है वो वाइब्रेट करेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे टू टाइम्स वन सेकेंड में, ठीक है। अगर मान लो हम लोग एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ये तो वन अपॉन टी है ना, क्या एग्जांपल हम ले के दिखाएं तुमको, कि जैसे चार केला है तुम्हें दो रुपए में मिल रहा है, टू रुपीज में, ठीक है, या फिर टू रुपीज में तुम्हें, ये देख लेते, टू रुपीज में तुम्हें चार केला मिल रहा है, ओके, टू रुपीज में चार केला मिल रहा है, तो एक रुपीज में कितना मिल रहा है, चार बाई दो, राइट, चार बाई दो डेट इज टू, टू केला, तो इसकी मतलब फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, टू केला, अपॉन कर दिए ना, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, टू केला, टू केला मतलब हर रुपए में हमको कितना मिल रहा है, दो केला ना, हर रुपए में कितना मिल रहा है, दो केला। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें टाइम देगा या फ्रिक्वेंसी देगी, फ्रिक्वेंसी देगा तो टाइम पूछना है, टाइम देगा तो फ्रिक्वेंसी पूछे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही जो है वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू वी, मत समझना वी वेलोसिटी होता है, वो मीटर पर सेकंड होता है, ये वन अपॉन टाइम है, तो न्यू क्या होता है, वन अपॉन टी, दैट इज वो वन अपॉन टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर अब हम देखेंगे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड, बस यहीं तक करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड करेंगे। अब देखो एम्पलीट्यूड, मान लो अरहम गुस्सा है, अरहम गुस्सा है तो कैसे बोलेगा, मम्मी हमको खाना दीजिए, ऐसे तेज से बोलेगा, राइट,
और हम गुस्सा बहुत तेज भूख लगी है उसको, तो वो ऐसे बोलेगा मम्मी हमको खाना दीजिए, ऐसे जाएगा उसकी आवाज। और अगर बहुत खुश है या बहुत दुखी है तो कैसे बोलेगा मम्मी हमको खाना दीजिए, इस तरीके से बोलेगा, राइट राइट ना, इसी तरीके से बोलेगा। तो इसकी आवाज क्या हो रही है, स्लो हो रही है, तेज हो रही है। तो जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस मच, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज इट, दिस इज द एम्पलीट्यूड, कितना हाई लेवल जा रहा है, कितना हाई तक जा रहा है, कितनी दूर तक पार्टिकल को हम भेज पा रहे हैं। हम तेज बोल रहे हैं तो पार्टिकल दूर चला जा रहा है, हम धीरे बोलेंगे तो पार्टिकल यहीं पर आकर के वापस आ जाएगा, राइट है ना। हम तेज बोलेंगे तो दूर तक आवाज जाएगी क्योंकि पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, है ना, पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा वो और दूर जाएगा, धक्का मारेगा, धक्का मारते मारते थोड़ा दूर तक जाएंगे। हम वही चीज धीरे बोलेंगे तो क्या होगा, धीरे ही पार्टिकल धक्का लगेगा, धीरे ही पार्टिकल का धक्का लगेगा, कम दूर तक वाले पार्टिकल को धक्का लगेगा, फिर वो कम दूर वाले पार्टिकल को धक्का लगाएगा तो वो धीरे तक आवाज जाएगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाई हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीफायर तो सुनते ही हो, गाना भी सुने होगे एम्पलीफायर वाला, है कि नहीं, सुने हो कि नहीं, बुफर तू मेरी वाला गाना सुने हो ना, एम्पलीफायर वाला, नहीं गाना सुने हो, एम्पलीफायर मतलब आवाज को तेज कर देना, ठीक है, आवाज को तेज कर देना। तो कौन कौन हमेशा तेज आवाज में बोलता है, शजान तुम तेज आवाज में बोलते हो या आराम से बोलते हो? Sometimes loud, sometimes normal voice. Sometimes जब 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 अपनी छोटी बहन को डांटना होता होगा तो तेज से बोलते होगे, राइट, एम्पलीट्यूड तेज हो जाता होगा, और जब नहीं डांटना होगा, कुछ मांगना होगा तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा धीरे हो जाएगा, है ना। मान लो मम्मी चॉकलेट उसको दे दी और तुमको नहीं दी तो भाई हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। और अगर कुछ डांटना हुआ, इतना ज्यादा खा रही हो, तो एम्पलीट्यूड तेज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड जो होता है ये होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर कितना दूर जा रहा है, मतलब आगे कितना देर पार्टिकल आगे कितना दूर पार्टिकल को वो भेज पा रहा है, सोर्स जो है वो कितना दूर पार्टिकल को क्या कर पा रहा है, भेज पा रहा है। तो कंसेप्ट समझ में आया ये वाला, ये चारों, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल वेव है, अभी हम लोग साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, मतलब थोड़ी देर आगे, ठीक है ना। तो समझ में आया तीनों चीज। तो यहाँ पर हम लोग देखे है ना, लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है ना। तो अभी हम लोग आगे जब करेंगे एक डेरिवेशन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि लेमडा एक्चुअली में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। तो अभी तुम लोग को वो करना होगा ना असाइनमेंट, तो थोड़ा असाइनमेंट कर लो। ऐसे तो सोचे थे हम दोनों टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ज्यादा हो जा रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, ठीक है। Then, but sound is coming in our exam this time, and man, there is not much time left. Just 12, man, my first exam. कब से है तुम्हारा? कब से? But from 12, man, my third exam is science only. From? 12. From 12. Today is? 1. Today is 1. Today is 1. And then we'll be having next class on 8th. So, okay. 8th. 8 will be too long. चलो आज ये वाला complete करा ही देते हैं। हम सोच रहे हैं Saturday को अगर हो सकेगा तो हम extra class देंगे, ठीक है? सैटरडे को इफ पॉसिबल हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। चलो ये वाला करा देते, छोड़ो आराम। एंड नो वन एट यू कैन सम डू सम रिवीजन फॉर ग्रेविटेशन एंड दैट एनर्जी वर्क एंड फॉर व्हाट मैम, लाइक इफ मैम यू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे ओनली, मीन द टॉपिक टू, एंड मैम इफ यू टेक अ क्लास ऑन सैटरडे देन मैम ऑन 8 मैम यू कैन डू द रिवीजन। हां वी विल डू द वी आर वी आल्सो कमिंग। ओके ओके, देखो शजान, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तुम तो जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, सेवेंथ क्लास से, सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आए हो, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू नहीं, स्पीड इज इक्वल टू, पढ़ते हुए आए हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ते हुए आए हो या नहीं। Yes, ma'am. बहुत इजी डेरिवेशन है, आ जाएगा दो नंबर में, फटाफट कर देना। पढ़ते हुए आए हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग एस से या डी से डिनोट करते थे जिंदगी का पहले, एस बी और डी बी, बचपन में तो डी से ही करते थे ना, तो यहाँ पे भी डी से ही कर देते हैं, उसके बाद अभी तो चेंज करना ही है, टाइम को टी से, ठीक है, या चलो मान लेते हैं बड़ा टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग
डिनोट करते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस. देखो हम लोग साउंड में क्या पढ़े हैं, वेवलेंथ पढ़े हैं अभी तक. यस मैम. वेवलेंथ को हम डिस्टेंस मान सकते हैं ना, डिस्टेंस ही तो होता है ना, वेवलेंथ तो डिस्टेंस है. तो साउंड हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर से ही रिलेटेड हम लोग को चीजें करनी पड़ेगी. तो हम लोग लेमडा लिख सकते हैं इसकी जगह पे, लेमडा लिख सकते हैं इसकी जगह पे. अब टी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी तो है ही, टाइम. ठीक है, अब बताओ इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेमडा इंटू वन बाई टी लिख सकते हैं. यस मैम. लेमडा इंटू वन बाई टी. अब वन बाई टी हम लोग कुछ पढ़े थे मैम, न्यू बताए थे, न्यू इज इक्वल टू वन बाई टी. यस मैम. सो मैम लेमडा इंटू न्यू. सो व्हाट इज इट, वी इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू. This is what our relation is. This V is very easy, isn't it? And one more thing that I am telling you from the last half an hour, no, 15 minutes, ki from that graph, that what I'm telling you is lambda is inversely proportional to nu. Can you draw this from this? Can you draw this relation from this relation? V is upon nu is equal to lambda, isn't it inversely proportional? Yes ma'am. तो यही ना हम लोग देख रहे थे ग्राफ से, ग्राफ से लग रहा था ना कि inversely proportional लग रहा है वो, जहां पे lambda 1 ज्यादा था तो वो लेकिन lambda 1 lambda 2 से ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर देखें इधर वाले ग्राफ में देखो तो nu 2 nu 1 से ज्यादा हो गया है ना. तो मतलब क्या हो गया, lambda जो है वो nu के inversely proportional है. तो ये तो तुम लोग लिख ही लोगे, इसका तो कोई मतलब नहीं है. जब तुम लोग को ये रिलेशन पता ही रहेगा तो फिर तो कोई भी चीज पूछा जाए आराम से बता दोगे. यस मैम. वेलोसिटी डी है साउंड की, मान लो 330 मीटर पर सेकेंड. ओके, 330 मीटर पर सेकेंड. और लेमडा दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है 2 पर सेकेंड. ठीक है, 2 पर सेकेंड. तो व्हाट शुड बी द वेव लेंथ, हमें नहीं पता, हम ऐसे रैंडम ले लिए हैं. ठीक है, ये सही क्वेश्चन है भी या नहीं ये नहीं पता, बस हम लोग को निकालना है. तो v इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा न्यू 330 into 2 न्यू. ओह सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी. 330 डिवाइडेड बाय 2 330 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी लैम्डा. लैम्डा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 ones are 2, 2 sixes are 12 एंड 2 fives are 10, 165 एंड इट विल बी इन मीटर. ठीक है, ठीक है ना, 165 मीटर. इसका मतलब ये 165 मीटर तक ये जाएगा. ओके, इसके दो क्रेस्ट की दूरी क्या रहेगी, 165. फाइन, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि ये कैसे बनता है. यहाँ पे कॉम्प्रेशन ऊपर जाएगा तो, नीचे जाएगा तो रेयरफैक्शन. फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता जाएगा कंप्रेशन रेयरफैक्शन. इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ. इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे, ये थोड़ा मेरा बड़ा बन गया छोटा बन गया, चलो वेवलेंथ. ठीक है, ये हमारा पार्ट है. इज अ ग्रीक लेटर. हां, ग्रीक लेटर. यस यस, फ्रॉम दैट टाइम आई थिंक दैट मैम यू हैव रिटन लैम्डा, यू मेड इट इन the teacher said, I've just written it and named it lambda, like something random. I haven't named it lambda. No, I think I thought it's something random. नहीं, इसको lambda से denote करते ही हैं, जैसे new को करते हैं ना. Yes, ma'am, I thought it's a random letter, but then I thought it's a Greek letter. Then I asked. देखो यहाँ पर बना होगा, यहाँ पे lambda बना होगा, यहाँ symbols में अगर हम देखेंगे, ये देखो ये lambda, दिख रहा है lambda, और new भी लिख के दिखा दे तुम लोग को पहले. New is where. Mam, that mam mu is there after that. After mu. After mu, new is there. Yes. तो ये जो है तुम्हारा बन गया. ठीक है. Lambda. Lambda and new. ये देखो आएगा भी. Lambda लिखा हुआ. ये देखो लिख रहा है lambda. Lambda दिख रहा है lambda. Yes, mam. And this is mu and this is new. लिखा भी हुआ है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, mam. दिख रहा है. ठीक है ना? Lambda and new. ठीक है, तो ये इसको हम लोग लेमडा से दिखाते हैं. और क्या बचा है, और क्या बचा है, ये हमारा पार्ट होता है रेरिफैक्शन का. नीचे वाला पार्ट रेरिफैक्शन का, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. ऊपर वाला पार्ट जो जितना ऊंचा तक जाता है उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन. ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस होता है, ये हमारी डेंसिटी का हो या प्रेशर होता है, डेंसिटी का हो या प्रेशर का. ठीक है, वही बात हो गई. डेंसिटी ज्यादा, हाई डेंसिटी रहेगी, ज्यादा
पार्टिकल्स रहेंगे, हाई डेंसिटी रहेगी, या कहो हाई प्रेशर रहेगा वहां पर पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, एम्पलीट्यूड कहेंगे। हम लोग ऑलरेडी ये चीज हम लोग देख चुके हैं ना, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है, इस पार्ट को एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके ठीक है, हो गया सब पार्ट कंप्लीट। अब जो है हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ये अब असली साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, असली साउंड वेव का। पिच जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है ये, फ्रिक्वेंसी पे, न्यू पे। जितना ज्यादा न्यू रहेगा उतना ज्यादा पतली आवाज रहेगी। लाइक बोलते हैं हम लोग, उसकी ज्यादा पतली आवाज है, उसकी भारी आवाज है। लड़कियों की जो आवाज होती है वो ज्यादा पिच होता है उसमें, पिच ज्यादा होता है, मतलब पिच ज्यादा होता है मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। कम टाइम में यू कैन से कम दूरी पर ज्यादा बार ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता है, कम दूरी पर वाइब्रेशन ज्यादा होता है, या फिर कम टाइम पे ज्यादा बार वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है। जिसकी जितनी ज्यादा पतली आवाज, आरम की फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी, शज़ान की फ्रिक्वेंसी कम रहेगी। पिच मतलब आरम की ज्यादा रहेगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रिक्वेंसी कम तो पिच कम, ठीक है। भारी आवाज वाले को ऐसे बोलते हैं ना लड़के, तो ये वाला क्या हो जाता है, पिच मतलब कम है, पिच मतलब कम है, भारी आवाज की पिच कम है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उनकी कम है, फाइन। लाउडनेस, लाउडनेस तो तुम लोग को पता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, बात से ही लग रहा है इसके, है ना, इसके बात से ही लग रहा है। लाउडनेस अभी हम बताए थे, तेज आवाज बोलते हो जब गुस्से में रहते हो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड तुम्हारा हाई हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तो लाउडनेस क्या रहेगी, तुम्हारे आवाज की ज्यादा रहेगी। एम्पलीट्यूड हाई तो ए से डिनोट करते हैं इसको, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मीटर में ही होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, है ना। स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना हम लोग, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं वॉइस को, लाउड कर रहे हैं ना। टिम्बर, टिम्बर कहो या क्वालिटी कहो, अच्छा बताओ तुम्हारी मम्मी बोलेंगी और तुम्हारी खाला बोलेंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम दूसरे रूम में रहोगे, तुम्हारी मम्मी बोल रही कि तुम्हारी खाला बोल रही, तुम्हें कैसे समझ में आएगा, आवाज से समझ में आ जाएगा, ये मम्मी की आवाज है, ये खाला की आवाज है, ये मामू की आवाज है, ये नानी की आवाज है, नाना की आवाज है, ये दादी की आवाज है, समझ में आ जाएगा ना, है ना। तो ये क्या होता है, टिम्बर इसको कहते हैं, ये क्वालिटी होती है वॉइस की, जो जिसपे की जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि किचन में कोई गया है तो चाय बना रहा है या रोटी बना रहा है ना। किचन में गया है तो चाय बना रहा है या रोटी बना रहा है, तुम्हारे लिए चाय बन रही है या तुम्हारे लिए कॉफी बन रही है या तुम्हारे लिए रोटी बन रही है या तुम्हारे लिए पिज्जा बन रहा है माइक्रोवेव के अंदर, समझ में आ जाता है। ये किस वजह से समझ में आता है, टिम्बर की वजह से। क्वालिटी होती है, हर आवाज की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर इंसान की आवाज की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर चीज की आवाज की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तुम समझ जाओगे किचन में कोई गया है चम्मच हिला रहा है या प्लेट हिला रहा है, राइट, तुम देख रहे हो नहीं हिला रहा, लेकिन चम्मच कोई खट से किया या प्लेट कोई खट से किया तुम समझ जाओगे कि ये चम्मच की आवाज है ये प्लेट की आवाज है ना, समझ जाओगे ना, ये शीशे की आवाज है या स्टील की आवाज है, समझ जाओगे ना। खटाक से गिरा है जमीन पे, शीशा बोलेगा टडाक, और वो क्या नाम है, क्या बोलेगा, टन 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 बोलेगा, क्या बोलेगा, स्टील, टन 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 बोलेगा, तो समझ जाओगे कि हाँ ये स्टील है और ये शीशा है, ठीक है। इंटेंसिटी, अब देखो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है जैसे कि तुम एक जगह शादी में गए हो, बहुत तेज गाना बज रहा है, ठीक है, गाना बज रहा है। देखो इंटेंसिटी और लाउडनेस में फर्क होता है, ठीक है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में फर्क होता है। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा इंटेंस लगेगी वॉइस। अगर तुम किसी कोई बोल रहा है या तुम किसी गाना बजाने को सुन रहे हो, एकदम पास से सुनोगे और दूर से सुनोगे फर्क लगेगा, तुम गाने की आवाज को टच नहीं किए हो, ठीक है। गाने की आवाज मान लो 70 पर है, ठीक है, 70 पर है, 70 वॉल्यूम है, 70% वॉल्यूम है, तो 70 पर तुम एकदम गाने के पास जाके सुनोगे और दूर जाके सुनोगे, तुम्हें फर्क लगेगा ना, है ना, फर्क लग। तो वही इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती, इंटेंस ज्यादा हो जाता है। वहां पर जो होता है, जो सोर्स जो वेव निकल रहा है, जो वेव निकल रहा है वो पर मीटर स्क्वायर
पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसको कहते हैं इंटेंसिटी, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड, पर यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, पर और बताओ वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम क्या होती है? पावर होती है, पावर होता है कि नहीं? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और इधर यू से एनर्जी अपॉन टाइम, कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो ना। तो यहाँ पर एनर्जी अपॉन टाइम है ना, ये टाइम ले लो, इसको डिस्टेंस हम लिख दिए गलती से, सॉरी, हम ये टाइम का यूनिट लिख दिए, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम होगा। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता है पावर बाय मीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं, इसका मतलब इसकी यूनिट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। समझ में आया? एक मीटर स्क्वायर एरिया से, एक मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकेंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको कहते हैं इंटेंसिटी, उसको कहते हैं इंटेंसिटी। देखो यहाँ पर हम तुम लोग के लिए डायग्राम लेकर के आए हैं, सोर्स से लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है, जा रही है इस एक मीटर स्क्वायर के एरिया से, कितनी साउंड एनर्जी जा रही है एक सेकेंड में उसको कहेंगे साउंड इंटेंसिटी। फाइन, ये डिपेंड करती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, कितना एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दो, उस पर डिपेंड करती है। अभी उसके उसको तुम लोग और आगे पढ़ोगे 11th 12th क्लास में, ठीक है, उसको और आगे पढ़ोगे किस रिलेशन थोड़ा सा और इलेबोरेट करके। तो इतना जानो इंटेंसिटी, समझ गए ना? तो इंटेंस वॉइस कान को खराब कर देती है ना, तुम एकदम पास से स्पीकर लगा के कान में एकदम सुनोगे तो कैसा लगेगा, कान खराब नहीं हो जाएगा, है ना? दूर करो, ठीक है, तुमने तेज सुनना है, दूर करे रहो, दूर दूर करके जो है सुनूंगा ना। ओके फाइन, तो समझ में आ गया चारों चीजें। तो ये जो होती है क्वालिटी, ये स्पेशली साउंड वेव की क्वालिटी है, ये तुम्हें लाइट वेव में नहीं मिलेगी, ना कि माइक्रोवेव में मिलेगी, ना ही किसी चीज में मिलेगी, ये स्पेशली किसकी है, ये सारी क्वालिटी साउंड वेव की, ठीक है, ठीक है। एक और होता है स्पीड, जो कि इसमें भी होता है, इसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक में, हाँ स्पीड भी होती है, स्पीड जो कि क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो तुम लोग को पता, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी निकाल भी लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड भी होती है एक क्वालिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम ग्राफ में बस नहीं बनाए, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वाइव, तो वो तो पता ही तुम लोगों को, स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द वेव, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ द वेव, जैसे कि साउंड की वेलोसिटी किसमें, एयर में 330 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, इतना मीटर ये एक सेकेंड में चला जाता है। ओके फाइन, तो टू टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीटेड। ओके, अब हम लोग अगर हो सकेगा तो हम सैटरडे को करेंगे क्लास, इफ इट विल बी पॉसिबल। फाइन।